एडमिनिस्ट्रेशन ते साडे एसएमओ मैडम कंबोज जी ते पिंड वाले लोगों का ते खास करके जिहड़ियां स्टाफ दियां साडियां भैणां ते सारे लोग इन्हां दा मैं धन्नवादी हां कि इन्होंने अज पौणी विखे कैंप लाया टीकाकरण का कैंप वैक्सीनेशन ये जिहड़ा टीकाकरण है एक कोरोना तो बचन वास्ते लवाया जाता है। सो मैं सरकार का पंजाब सरकार का खास करके जिले की एडमिनिस्ट्रेशन का डीसी साहब होर उन्होंने साथियों का सारे ही साढ़े डॉक्टर साहबान नर्सेस आशा वर्कर्स इन्हों धन्नवादी हाँ कि इन्होंने कोरोना पर मुकम्मल जी है मैं समझ लें कि जित प्राप्त करनी सी उहदे वाले रोजाना अगे वध रहे। सो परमात्मा कृपा करे जिस तरह आपां कोरोना नूं सरकार ने थोड़ी कृपा दे नाल आपां इहनूं रोकिया है और मैनूं पूरन उम्मीद है कि आने वाले दिनों दे विच इस तरह अगर आपां लगे रहे तो इहनूं मुकम्मल तौर पर पोलियो वांग खत्म कर देंगे पर थोड़े साथ की जरूरत है। मैं थोड़े सामने खड़ा मेरे पिछले साल सौरा साहब की मौत हो चुकी मेरे फादर इन लॉ की इस कोरोना करके ते उन्होंने टीका नहीं लग्या सी जे टीकाकरण होया हुंदा वैक्सीनेशन तो शायद वो बच जाते। अज उन्होंने ही भरा उन्होंने एक डोज लगी सी वो भी इंजैक्शन लगाते नहीं सी ते मेरे सौरा साहब के भरा मैं धक्के उन्होंने एक वैक्सीनेशन लवाती सी अज तो महीना पहला उन्होंने नाम है जोगिंदर सिंह अज वो मदन मोहन दे दाखिल है मगरले एक हफ्ते तो ऑक्सीजन मेनटेन है शुगर के मरीज है 65-66 साल उन्होंने उम्र है पर वो इस करके बचत है कि उन्होंने एक टीका लग्या हुआ सी अगर दोनों टीके लगे होंगे मेरे दोनों टीके लग चुके एसडीएम साहब ने भी दोनों टीके लग चुके निंदर दे एक तहसीलदार साहब ने लग चुके सो अगर दोनों टीके लगे होंगे तो शायद हॉस्पिटल दाखिल कराने की जरूरत नहीं पैनी सी। टीकाकरण के नाल कोरोना तो हो सकता है ये डॉक्टर कहते ने साइंटिस्ट कहते ने कि जिन्हें टीका लग गया उन्हें कोरोना हो सकता है लेकिन उरी कोरोना नाल जान नहीं जा सकती वर्स्ट केसिस नहीं हो सकते थोड़ा जा माइंड रहूगा कोरोना जिहड़ा घरे ही चाह पानी पी के ठीक हो जाएगा हस्पताल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो थोड़ा सारिया का धन्यवाद द्वारा फिर एडमिनिस्ट्रेशन का ते साडे हेल्थ वर्कर्स का एसएमओ सीएमओ डीसी साहब तहसीलदार साहब ते लोगों का एसडीएम साहब थोड़ा सारे का धन्यवाद कि तुसी साडे ते बहुत कृपा कर रहे हो।